मित्रों, मैं एस के पाठक, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट, पिछले 16 वर्षों से न्यूरोथेरेपी के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहा हूं। और आज हमारे साथ हैं एस सी मिश्रा जी। इनकी एज है 57। और आपको क्या दिक्कत थी, अपने आप बताएंगे, अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम एस सी मिश्रा है। मैं यहां सेंट्रल वाटर कमीशन में असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। और मुझे करीब 2015 से घुटने की प्रॉब्लम थी, चलना फिरना बहुत दिक्कत हो पाती थी, चल ही नहीं पाते थे और लेटरिन बैठ भी नहीं पाते थे। और हम काफ़ी आराम है, मतलब 50% ठीक है। इन्होंने हमारे पास 8 दिन ट्रीटमेंट लिया है अभी, तो 8 दिन में ये 50 से 60% ठीक हो गए। इनका घुटना जो पहले मुड़ता नहीं था, मुड़ने लगा है। और जो स्वेलिंग रहती थी वो स्वेलिंग एकदम कम हो गई, स्वेलिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और घुटने की जो कट कट की आवाज़ आती थी वो है अभी, काफ़ी कम हो गई, काफ़ी कम हो गई। तो देखेंगे हमने क्या ट्रीटमेंट दिया। आप उल्टा लेटेंगे एक बार पहले, राइट में जी। ये पहले एक ऐसे तकिया लगाना है और इसको ऐसे 20 बार रब करेंगे, 20 बार इधर से और 20 बार इधर से। एक पैर मोड़ेंगे उठने से, मोड़ो ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। और उसके बाद ये हम घुटना सीधा करने के लिए इनको स्ट्रेचिंग देते हैं। ज़्यादा वेट नहीं देना, बिल्कुल आराम से ऐसे। बिल्कुल हल्का सा वेट दे रहा हूँ मैं। सीधे हो जाएंगे आप। उसके बाद इसके घुटने की मूवमेंट को ठीक करने के लिए ये 20 बार ऐसे और 20 बार ऐसे और 20 बार ऐसे। पहले जब आए थे तो इनका घुटना बहुत मोटा था, तो पूरा स्वेलिंग थी। अब भी इसी तरह घुटने की कोई भी समस्या है, घुटने में गैप आ गया, डॉक्टर ने बताया गैप है, इन्फ्लामेशन है, हड्डियां आपस में रगड़ रही हैं, कोई भी घुटने की दिक्कत है, तो हमारी ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएंगे। पूरा फ्री करना है घुटने की कैप को। पैर मोड़ेंगे नीचे, पैर मोड़ेंगे, फिर हमको ये सेटिंग करनी होती है। खड़े होना, देखो अभी दर्द है क्या। घुटना मोड़ के देखो दर्द है क्या। चलो थोड़ा सा काफी आराम। देखा मित्रों, ये घुटने की समस्या से मुझे लगता है 8 दिन उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, कुछ दिन और करेंगे, बिल्कुल 100% ठीक हो जाएंगे। आप भी इसी तरह ठीक हो सकते हैं।
तो घुटने के लिए हमारा बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, आप हमारे सेंटर पर जरूर आए। घुटने की कोई भी समस्या उसके लिए आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक कर लें, जिससे हम हेल्थ के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देते हैं आपको।